मुस्लिम समाज में बुर्का पहनना एकदम जो है सभी के लिए कॉमन है, कहीं भी जाए। यार मौलाना की सोच देखो, एक तो ना कई तरीके के मौलाना आज के टाइम पे, वो 2000 रुपये वाले मौलाना भी होते हैं जो आके फालतू की बहस करते हैं, जिनको आधी चीज़ें पता होने के बावजूद मुझे समझ नहीं आता बोलते क्यों नहीं है। तो रैंप पे नहीं पहना जा सकता, मेरे हिसाब से अच्छी सही नहीं है कि अगर लड़की शॉर्ट्स पहने तो दिक्कत, लड़की बुर्का पहन रही है तो दिक्कत। कहाँ दिक्कत है ये तो बताइए। लड़कियों का कहना है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसने किया है उसके फैमिली को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 4 अलग लोगों को दिक्कत हो जाती है। बुर्का प्रमोट करना था वो एक अलग चीज है, वो उसको फैशन सेंस में ले रहे, बिकॉज उनकी मर्जी ना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर न्यूज बुक के सेशन न्यूज रूम में, और आज का हमारा मुद्दा रहेगा बुर्का। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि बुर्के को मुद्दा बना दिया गया फिर से, आपको बताते हैं। दरअसल 3 दिन पहले खबर सामने आई जहां पर मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज के अंदर रैंप वॉक करवाई गई, वो भी बुर्का पहनकर। तो इसमें मौलानाओं का कहना है कि घर के अंदर बुर्का ठीक है लेकिन रैंप वॉक पर बुर्का अच्छी चीज़ नहीं है। वहीं कुछ लोगों का और लड़कियों का मानना है कि बुर्का हमारा कल्चर है, धर्म है, तो हम क्यों नहीं पहन सकते उसे रैंप वॉक पर, क्यों हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। देखिए बहुत अलग अलग राय है सभी लोगों की, लेकिन इस पर न्यूज रूम के लोगों का क्या मानना है, चलिए चलते हैं अंदर और जानते हैं सभी की अलग अलग राय। ठीक है, सबसे पहले हम असद से पूछेंगे हर बार की तरह। असद, टॉपिक है बुर्का। ठीक है, तो वहाँ पर एक बुर्का पहनकर रैंप वॉक करवाया गया, शायद वो कॉलेज फैशन शो का था, तो उन लड़कियों ने कहा हम छोटे कपड़े पहन के हमेशा रैंप वॉक करते हैं, इस बार हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो मौलाना इस पर नाराज़ हैं सारे कि घर तक बुर्का अच्छा है लेकिन रैंप वॉक तक नहीं। आपका क्या मानना है? यार तो ये उनके ऊपर है ना, देखो वो कैसे ले रहे हैं, वो उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनको अगर कुछ इवेंट कर रहे हो तो करने दो। तो मौलाना की बात गलत है आपके हिसाब से? मौलाना की बात अपनी जगह सही है, वो कह रहे हैं कि एक चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आप ऐसे थोड़ी कह दोगे कि ये तो वो वाली बात होगी, हिटलर ने जैसे कहा था फेयर नॉट विद अस देन यू आर विद देम। मौलाना छोड़िए, मौलाना का कहना तो ये है कि बुर्का रैंप वॉक पर अच्छा नहीं है, आपका क्या कहना? अगर आप उसको देखो उनके हिसाब से क्या है, उनको अगर रैंप बुर्का प्रमोट करना था वो एक अलग चीज़ है, वो उसको फैशन सेंस में ले रहे, बिकॉज उनकी मर्जी ना, उनको जो करना है कपड़े जैसे उनकी मर्जी है। तो बस आपके हिसाब से गलत नहीं हुआ ना कि बुर्का रैंप वॉक पर प्रमोट किया गया? अगर उसको उस तरीके से ले रहे हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से जिस तरह से बुर्का होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब पर मौलानाओं की सोच पर आपका क्या कहना है? यार मौलाना की सोच देखो, एक तो ना कई तरीके के मौलाना आज के टाइम पे, वो 2000 रुपये वाले मौलाना भी होते हैं जो आके फालतू की बहस करते हैं, जिनको आधी चीज़ें पता होने के बावजूद मुझे समझ नहीं आता बोलते क्यों नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना सर कि इस वाली बात से, हाँ बिल्कुल सहमत है 2000 वाले। और एक्चुअल में नहीं, मतलब वो मैं कई बार खुद सोच रहा होता हूँ कि जब कमेंट कर रहे होते हैं, आप में से एक बेसिक मुस्लिम को आधी से ज्यादा चीजें पता होती है जो चाहे तो वहाँ पे बोली जा सकती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब घर में बुर्का पहना जा सकता है तो रैंप वॉक पर प्रमोट क्यों? वैसे घर में नहीं पहना जाता बुर्का, मैं जस्ट बता रहा हूँ, घर में कौन बुर्का पहन के रहता है? मतलब है कि बाहर पहना जा सकता है, घर के अंदर सबके अंदर पहना जा सकता है नॉर्मली, तो रैंप वॉक पर क्या दिक्कत है? देखो मौलाना का सेंस बेशक ये हो सकता है, देखो बुर्का एक ड्रेस है वैसे, ठीक है कल्चर है, वैसे कल्चर नहीं ड्रेस है वो, जो है ना वो एक ड्रेस है। अब आपका मौलाना की सोच ये है कि हो सकता है ये सोच रहे हो कि यार आप किसी भी मजहब को मजाक ना बनाएं, मजाक क्या ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ऐसे साड़ी होती है, साड़ी पहनी जाती है हर जगह रैंप वॉक पर हर जगह, तो साड़ी इज नॉट एसोसिएट विद एनी कल्चर, है ना, वो इंडियन कल्चर के साथ एसोसिएट होती है, रिलीजन के साथ नहीं होती। बट बुर्का क्या है? बुर्का एक वो ड्रेस है जो एक मजहब के साथ हम लेके चलते हैं। दो बातें बोल दी अभी आपने, बोला कि हाँ मैंने बोला ना अगर वो ड्रेस की तरह ले रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर वो उसे एज अ रिलीजन, मौलाना की मैंने दोनों की सोच बताई, मैंने लड़कियों की सोचेगी कि हमारा ड्रेस का एक रैंप वॉक फैशन है तो ड्रेस को प्रमोट करते हैं, लेट्स डू दैट, और मौलाना की सोच ये है कि आप वाला मामला छोड़िए। अभी हाल ही में एक मामला आया था वेस्ट बंगाल से साउथ की तरफ से कि लड़कियाँ हिजाब नहीं पहन सकती एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि चीटिंग बहुत इजीली हो सकती है हिजाब पहन के। सो आपका इस पर क्या कहना है? यार देखो मैं वही कहता हूँ, ड्रेस पर कभी सवाल नहीं उठाना चाहिए आपको, है ना। आप देखो अभी हिसाब से तो आप बोलोगे कि मास्क भी मत पहनो क्योंकि चोरी आसानी से हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा, है ना, बट आप पहनोगे बिकॉज जिंदगी ने पहले इसे बैन किया, लेकिन गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, अच्छा एग्जाम के अंदर, एग्जाम्स के अंदर, फिर उन्होंने उनको उनके पास कुछ राय नहीं थी देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत इजीली
वो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो होता है, जो एक तो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे टीएमसी की सरकार होती है, उनको मुस्लिम मेजोरिटी वोट चाहिए होते हैं, तो हाँ। वो कई बार चीज़ें, फिर बीजेपी ने देखो 3 सीट से 70 सीट पे पहुँची थी बीजेपी, तो उनको लगा कि यार अब तो कुछ इश्यू हो रहा है, हाँ। तो उन्होंने दूसरी पार्टी को भी थोड़ा सा करने के लिए इंगेज करने के लिए बोल दिया। ठीक है, फर्रुख से पूछते हैं, असद का मान, असद ने 2 पॉइंट दे दिए, मौलानाओं की भी बात रख दी और रैंप वॉक वाली भी। फर्रुख से पूछते हैं, फर्रुख मामला पता चल गया होगा मैंने क्या बताया, आपके हिसाब से क्या मतलब रैंप वॉक पर क्या दिक्कत है बुरखा पहनने में भाई? देखिए एज लॉन्ग एज आप एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हो कल्चरली, ठीक है, तो आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि आप अगर ऐसे, जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी से आता हूँ, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, वो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और वहाँ कुछ 40-50 कंट्रीज़ के लोग हैं, तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर जस्ट प्रमोट योर कल्चर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहाँ पर आई डोंट थिंक ये कोई क्वेश्चन है। लेकिन मौलाना का एंगल ये हो सकता है, अगर आप उसको नॉट मे बी इन अ फैशन सेंस, अगर आप उसको फैशन सेंस में या फिर आप किसी और सेंस में, जैसे हम देखते हैं कि वेमेन को बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो अगर उस सेंस में किया गया है तो वहाँ पर आप गलत कह सकते कुछ हो। कुछ सब्जेक्टिफाई नहीं किया गया था, उन लड़कियों का कह रहे हैं कि जब हम छोटे कपड़े पहन के रैंप वॉक करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, कल्चर अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो इट इज गुड, इट इज फाइन। ये है कि मौलानाओं की राय आपको कैसी लगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप उनको, उनका सिंपल कहना है, उन्होंने यही कहा है कि आपको रैंप पर उसको पहनकर चलने की जरूरत नहीं थी। दो वर्ड्स में सारी बात खत्म कर दी, आगे बढ़ते हैं। भास्कर बताइए क्या दिक्कत है रैंप वॉक में अगर कोई लड़की बुरखा पहने तो? मेरे को क्या दिक्कत है? नहीं, हम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं आपका भाई। आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत हो सकती है। हम पूछ रहे हैं कि अगर मौलानाओं का कहना है कि बुरखा रैंप वॉक तक नहीं जाना चाहिए था, साड़ी जा सकती है तो बुरखा क्यों नहीं? देखो बुरखा के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और अच्छा। जिस चीज़ के बारे में ना पता हो उस चीज़ के बारे में बोलना सही नहीं। बारे में क्या पता होना चाहिए? नहीं तो मेरे को नहीं ना पता है वो किस लिए पहनती है ना पहनती है, वो तो उनकी चॉइस है ना। बुरखा पहनकर अगर लड़कियां रैंप वॉक पर चल रही हैं तो मौलानाओं को क्या दिक्कत है, जबकि उन मुस्लिम लड़कियों को दिक्कत नहीं है? अब वो तो हमारी थोड़ी, मतलब मैं थोड़ी जानता हूँ उसके बारे में, वो तो उनकी चॉइस है वो जाए ना जाए। नहीं, लड़कियों की बात नहीं कर रही मैं, मौलाना की बात। नहीं, वो मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, मैं मतलब कमेंट क्यों करूँ उन लोगों के बारे में, उनकी चॉइस है वो जाए, जो पहन के जाना है जाए ना जाए। अरे अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, अब वो उनको पता होगा ना कि क्या बुरा हुआ है क्या सही हुआ है, वो पहन के जाना है कि नहीं जाना था, वो तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और मुझे मतलब अपने धर्म के बारे में पता है। बुरखा वाला मामला पता चला आपको? ऐसे ना बहुत डिबेट हो रही है यार इस मामले पर कि सब मौलानाओं को अपोज कर रहे हैं कि क्या हो गया यार, अगर उन लड़कियों ने बुरखा स्टेज पर पहन लिया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है आपके हिसाब से मौलानाओं की, क्या दिक्कत है? गलत है ना, वो इस्लामिक चीज़ है। वो क्या चीज़ है? इस्लामिक चीज़ है। अरे बुरखा एक इस्लामिक उसके लिए माना जाता है कि चलो अच्छी चीज़ के लिए माना जाता तो है, रैंप पे नहीं पहना जा सकता मेरे हिसाब से, अच्छी सही नहीं है। मौलानाओं की बात कह रहे हो? मौलाना वाली बात नहीं है, वैसे ही कह रहा हूँ नॉर्मली, मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मौलानाओं का ऐसा कहना है कि बुरखा रैंप वॉक पर नहीं पहना जा सकता। देखो उन्होंने कुछ कहा तो सोच समझ के ही बोला है, क्योंकि अच्छा। बुरखा एक इस्लामिक चीज़ है मेरे हिसाब से जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अरे यार लाइन में ऐसे बैठे हो तुम। अफजल तुम बताओ आज क्या मुद्दा है आपका? बुरखा आपको बता चुकी हूँ, बार बार मत पूछिए। नहीं कब बताया भाई, अभी तो आई हो मेरे पास, मैं सुन ही नहीं रहा था किसी ना, मैं सुन ही नहीं रहा था कि अगर लड़की शॉर्ट्स पहने तो दिक्कत, लड़की बुरखा पहन रही है तो कहाँ दिक्कत है, ये तो बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? सभी कहीं कहीं किसी मौलाना को दिक्कत नहीं है, मैटर वो उनको दिक्कत, बस उनको दिक्कत ये हुई है कि सिर्फ वो जो है वहाँ पे बुरखा पहन के गए तब दिक्कत है। मौलाना जो कह रहे हैं वो हो सकता है कोई छोटे मोटे मौलाना हो, कोई बड़े भी हो सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी में राखी सावंत रहती हैं, कुछ हिंदू धर्म के ऐसे राखी सावंत पे क्या कहूँ, वो भी तो आती है ऐसे ही। हाँ अब वो बुरखा पहन के आती है, कितनी चीपा बोली, मजाक करती है तो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि पता ना कि वो कॉन्ट्रोवर्सी है। मुझे ये बताओ बाहर पहने, घर पे पहने, कॉलेज में पहने, अस्पताल में पहने, कहाँ पहने? मुस्लिम समाज में बुरखा पहनना एकदम जो है सभी के लिए कॉमन है, कहीं भी जाएं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि बुरखा हर जगह पहनना चाहिए, ठीक है, अब ये बताओ कि रैंप में पहन कर गया उसमें बवाल उठा है, अब मुझे एक बात बताओ मूवीज में भी पहन के जाया जा रहा है उसमें बवाल क्यों नहीं हो रहा, उस पर ये मौलाना क्यों नहीं कह रहे?
मूवीज में चल रही है ना, मूवीज में भी तो हो रही है, उसमें ये मौलाना क्यों नहीं कह रहे हैं? हो सकता है, ठीक है, हम पूरी तरह उन्हें भी गलत नहीं कह सकते हैं, बट उनका कहना था कि एक ये रिलीजियस थिंग है, उसे उस स्टेज तक नहीं लेके जाना। रिलीजियस थिंग है स्टेज पर लेके नहीं जाना, ओके ठीक है, मूवीज में भी तो वो देख रहे हैं, मूवीज में तो वो आपका ये मानना आगे बढ़ता है। सत्यम, तो लड़कियों का कहना है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अगर वो अपने कल्चर को, अगर वो छोटे कपड़े पहन के जाती हैं तब उस पर क्या होता? तो क्योंकि वो घर में पहन रही हैं, बाहर पहन के जा रही हैं, हर जगह तो जा रहे हैं, तो अगर अगर वो वहाँ पहन के जा रही हैं तो क्या दिक्कत है? लड़कियाँ हमेशा से सब्जेक्टिफाई होती आई हैं। बिल्कुल, इस बार भी तो अगर वो वहाँ पहन के गई तो क्या दिक्कत है भाई? अगर उसकी जगह वो छोटे कपड़े पहन के जाती है तो वो मौलाना उस वक्त क्या कहते? तब वो चुप रहते या कुछ और उस पर भी बयानबाजी करते? तो मुझे नहीं लगता कि इसलिए कि अगर उनका लड़कियां अगर ये कह रही हैं कि मैं धर्म को अपने जस्टिफाई कर रही हूँ या उसको प्रमोट करने के लिए ऐसा क्यों, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है या कोई गलत चीज़ है, बस मेरी यही राय है। आपका बयान सबसे अच्छा लगा मुझे, अनुराग शर्मा जी बताइए, आप बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हो? बुरखे पर आपकी राय, वो पहन के गई उस पर आपकी। मुझे पहली बात तो एक बात जाननी है कि अगर यही जो परिधान पुरुषों का है किसी भी रिलीजन में, अगर वो पहनकर स्टेज पे जाते हैं, जो कि कई सारी रैंप वॉक में हैं, भी वीडियोस आपको मिल जाएगी रैंप वॉक में कई सारे, जो भी हो मुझे पर्टिकुलर नहीं पता, जो भी है, अगर वो जाते हैं उस पर बवाल नहीं। महिलाएं अगर कुछ भी करती हैं उनको उनके साथ डोमिनेशन होता है, लोग डोमिनेट करते हैं और वो होता चला है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल नज़रिए से भी हर तरीके से ये करते हैं। हर धर्म में एक इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, धर्म के गुरु, जिनको कुछ जिनको कुछ नहीं पता होकर भी सब पता होता है, और वो उसी पते होने का लोगों के ऊपर थोपते हैं और उसी का ढिढोरा पीटते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जो कर रहा है, जहाँ हुआ है, जिनके जिसने किया है उसके फैमिली को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन चार अलग लोगों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सब अपने बच्चे को कोई बर्बाद नहीं करता, सब अच्छा ज्ञान देते हैं, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होगी, इशू होगा चार घर छोड़ के जो क्या कहते हैं, जिनका उससे कुछ बेनिफिट निकलता है। बिल्कुल सही, तो सिर्फ बेनिफिट वाले ही अपना एक मुद्दा बनाते हैं। तो ये थी न्यूज़ रूम के लोगों की राय, इस मुद्दे पर भी काफ़ी बहस रही। कुछ लोगों का कहना था कि बुरखे को रैंप वॉक तक नहीं जाना चाहिए था, वहीं कुछ लोग जो प्रश्न समझ गए उनका कहना था कि लड़कियां हमेशा टारगेट की जाती हैं, चाहे वो कपड़े पूरे पहने या छोटे पहने, उन्हें किसी भी धर्म की लड़की क्यों ना उन्हें डोमिनेट किया जाता है। तो जाते जाते आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, और ऐसे ही न्यूज़ बुक के न्यूज़ सेशन से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बुक।